क्वेश्चन नंबर वन, इफ ए इक्वल्स टू 0001, देन प्रूव दैट ए आई प्लस पी ए होल टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एन I means identity matrix plus n a to the power n minus 1 into b a. ठीक है ना? Hello. Yes sir. तो step one, या पहले हमने बताया था क्या लिखते हैं, बताइए पहले क्या लिखते हैं? लेट स्टेटमेंट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना? ये मान लीजिए, ठीक है, स्टेप वन, स्टेप वन में आपको क्या करेंगे, फॉर एन इक्वल्स टू वन वो लिख देंगे ऊपर का जो हमने लिखा था, ठीक है? तो P1 क्या होगा, n की प्लेस ऑफ 1 पुट कर दो, बताइए क्या आएगा? सर ये हो जाएगा सर ए आई बी प्लस बी ए ऊपर 1 पावर में ए आई प्लस बी ए बी ए होल पावर 1 और फिर सर इक्वल टू होगा ए टू द पावर 1 ए टू द पावर 1 आई आई प्लस ए 1 ए माइनस 0, हाँ 0 हो जाएगा और फिर बी ए बी ए. लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, ए आई प्लस बी ए इक्वल्स टू ए आई प्लस ए टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, राइट? तो बी ए रह जाएगा, राइट? हेलो, यस सर 1 हो जाएगा, ए टू द पावर 0 1 होता है कि नहीं? यस सर, यस, तो दैट इज ट्रू, हाँ. Therefore, it is true for n equals to 1. Yani kya kehte hain, P1 is true, right? Yes, sir. That is P1 is true. Step second. अब k डालना है, sir. Imagine करते हैं, right? Imagine that P K is true, right? P K is true. So P K A I plus B A whole to the power K, right? Equals to इक्वल्स टू ए टू द पावर के आई प्लस के ए टू द पावर के माइनस 1 और बी ए, राइट? इक्वल्स टू नंबर 1 मान लेते हैं. इज इट क्लियर? यस सर, समझ आ गया. यस, अभी स्टेप 3 में हमें क्या करना है पता है आपको? स्टेप थर्ड में नाउ वी विल प्रूव दैट पी ए प्लस 1 इज ट्रू, राइट? सो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा अगर एन के प्लेस पर के प्लस 1 पुट करेंगे?
यहाँ पर ए प्लस वन पुट करेंगे तो ए ए प्लस बी ए होल टू दी पावर के प्लस वन ए प्लस वन, इसे स्प्लिट कर दे ना। स्प्लिट क्यों करेंगे? क्योंकि स्टेप नंबर सेकंड में क्या है, ए आई प्लस बी ए होल टू दी पावर के है ना, स्प्लिट करने से मिलेगा वो हमें, राइट? यस सर। ए इनटू ए आई प्लस बी ए, राइट? इसका वैल्यू पुट कर लेंगे स्टेप नंबर सेकंड से ये वाला, ठीक है? यस सर। करना क्या लिखा हुआ, ठीक है, क्या लिखा है, ए टू दी पावर के आई प्लस के ए टू दी पावर के माइनस वन बी ए, राइट? तो हो जाएगा ए टू दी पावर, क्या भूल गया, ए टू दी पावर ए टू पावर के आई प्लस के ए के टू द पावर के माइनस वन बी ए। यस बी ए, बहुत अच्छा। और मल्टीप्लाई किसके साथ, ए आई प्लस बी ए, बात समझ आई कि नहीं बताओ? यस सर। वैसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा पहले ये चीज, आपके रेफरेंस के लिए बता देता हूँ मैं ये चीज, कि हमें एक्चुअल प्रूव क्या करना है। प्रूव हमें ये करना है यहाँ से कि k प्लस वन के लिए ट्रू होगा, राइट? और k प्लस वन के लिए ट्रू होने का मतलब है ये कि ए आई प्लस बी ए होल टू दी पावर k प्लस वन, ये इक्वल टू किसके आना चाहिए, a टू दी पावर k प्लस वन आई प्लस k प्लस वन और a टू दी पावर k प्लस वन माइनस वन k हो जाएगा, राइट? और बी ए, राइट? ये प्रूव करना है, इज इट क्लियर ना? यस सर। यानी लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले हैं अभी ये वाला, इसके इक्वल्स टू ये प्रूव करना है, राइट? ध्यान रखना है ये चीज, ये रेफरेंस के लिए लिख लेते हैं पहले ही, ठीक है ना? यस सर। जिससे आइडिया रहे हमें प्रूव क्या करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हो दोनों में ब्रैकेट्स का। यस, पहले स्टेप करेंगे सभी में क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर के प्लस वन आई इन टू आई, राइट? यस सर। मैट्रिक्स ए टू दी पावर के आई का करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये देखो मैट्रिक्स को हम पास पास लिखते हैं, ठीक है ना, ए टू दी पावर के इन टू बी और आई इन टू ए, राइट? यस सर। अब पहले टर्म का, पहले टर्म का सभी में हो गया, सेकेंड टर्म का लेंगे दोनों में, ठीक है, इन दोनों में बताइए, प्लस के ए टू दी पावर के हो जाएगा कि नहीं बताओ? हाँ। और बी और ए आई, राइट? हाँ। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। सही लिखा ना, के ए टू दी पावर के हो जाएगा, राइट? और बी रहेगा हाँ। और ए इंटू आई, मैट्रिक्स को पास पास लिख लेते हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट है ए टू दी पावर के और बी, राइट? ये हो जाएगा के ए टू दी पावर क्या, के माइनस वन इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, राइट? इज इट क्लियर और नॉट? हाँ, ओके, समझ आ गया। अब देखो ए स्क्वायर क्या आएगा देख लेते हैं, ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, राइट? ए इंटू ए कितना होगा, ए कितना था, जीरो 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 वन, ये तो था जीरो 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 वन, राइट? ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो 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 जीरो, यानी कि जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है ना? यस सर। जैसे ओ से डिनोट करते हैं, किससे किससे करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं, राइट? इज इट क्लियर ना? यस सर। सॉल्व करो इसे कितना आएगा, ए टू दी पावर के प्लस वन आई इंटू आई कितना होता है, आई होता है, राइट? आई, हाँ।
और ये a टू द पावर k इंटू बी आई इंटू ए कितना होगा? सर आई इंटू ए सर वन आई इंटू ए हमेशा ए रहेगा, आई इंटू बी हमेशा बी रहेगा। हाँ 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 याद आया कि नहीं? हाँ सर हाँ, तो ए रहेगा ना ये तो? हाँ सर ए सॉरी। और यहाँ बताओ के ए टू दी पावर के बी ए इंटू आई रहेगा, ए रहेगा राइट। प्रूव क्या करना है देखो एक बार, ये क्या ये आ सकता है? देखो ए टू दी पावर के प्लस वन इंटू आई, क्या प्रूव करना है? ए टू दी पावर के प्लस वन इंटू आई नहीं, ये तो कैपिटल है, वो मैट्रिक्स नहीं, वो है एक मिनट सॉरी। ये और क्या आ गए? के प्लस वन ए टू दी पावर के बी ए, ठीक है यार रहेगा प्लस ए प्लस वन ए टू दी पावर के बी ए राइट, देख ले बार ठीक है, ये प्रूव करना है। तो यहां से कैसे आ सकता है बताइए? ए टू दी पावर के प्लस वन इंटू आई तो आ गया, पहला टर्म आ गया कि नहीं वाला? इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन है बताओ? सर इसमें से लेंगे और के कॉमन है, बी कॉमन है, हाँ, ए टू पावर के, हाँ, है कि नहीं? हाँ सर, यहाँ वन बचेगा, यहाँ के बचेगा कि नहीं बताओ? और ये जीरो मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ये जीरो मैट्रिक्स हो गया, यहाँ रीजन ये दे दिया करेक्ट। यस सर, कैसे लिख सकते हैं? ए टू दी पावर ए प्लस वन इंटू आई प्लस के प्लस वन, आगे लिख दिया है ए टू दी पावर के इंटू बी इंटू ए राइट, आगे है कि नहीं बताओ? हाँ सर, क्या लेके चले थे हम लेफ्ट हैंड साइड? हाँ लेके चले थे कि नहीं? हम लेके चले थे ए आई प्लस बी ए होल टू दी पावर के प्लस वन, यस और नो? ऐसा। और राइट हैंड साइड हमें ये लाना था, ये आ गया। हाँ समझ में आया कि नहीं? पीएमआई ये ऐसा आ गया। इसमें कोई डाउट है बताइए? नो सर, एक बार पीछे वाला पेज दिखा दीजिए सर। यस आज के लिए बस इतना करवा दो, आज के लिए इतनी कराते हैं, ठीक है? बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया दिमाग। यस 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 यस, सुबह से उठ गया सर एग्जॉस्ट। तो चीज भी है ये पढ़ने के लिए, पहले कभी पढ़ी नहीं है आपने ना? नहीं तो ऊपर से सुबह से पूरा दिन आज मैंने सिर्फ एनसीईआरटी एनसीईआरटी करी, दो चैप्टर के। कितने बजे सोए थे कल? सर कल तो मैं 3 बजे सोई थी। लेट सोना बंद करो। और हाँ सर, नहीं अच्छी स्टडी करनी है तो इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ये ना रूल बनाओ थोड़ा सा अपना ना। हाँ सर, ऐसे स्कूल टाइम जैसे एग्जाम टाइम के अलावा तो मैं सो ही जाती हूँ टाइम पे, पर वही अभी एग्जाम आ रहा तो कुछ लिए थोड़ा लेट तो उठना पड़ रहा था। दिन में स्टडी करो जितना कर सकते हो। सर दिन में फिर ट्यूशन वगैरह तो होती है ना, इसलिए तो टाइम नहीं मिलता। अच्छा अच्छा एग्जाम कब है आपका? सर 11th को। 11th को, चलो ठीक है आपका ना, जब तक ये दोनों चैप्टर अच्छे से हो जाएंगे और वर्कशीट करते हुए चलना। वर्कशीट हमने भेजी नहीं भेजी ना? सर नहीं भेजी। अब भेज दूंगा मैं, ठीक है? हाँ सर, चलिए ठीक है, ओके है, थैंक यू सर।